दोस्तों आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दो मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को नेस्तनाबूद कर दिया और अब ऐसे में फैंस और भी ज्यादा उत्सुक हैं कि क्या भारतीय टीम तीसरे वनडे मुकाबले में जीत हासिल करके श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर पाएगी। तो चलिए बताते हैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कब और कहां कितने बजे खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में कौन बेहतरीन हिटर बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 18 जुलाई को कोलंबो के मैदान पर खेला गया था। भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस मुकाबले में इतना बेहतर रहा कि टीम ने 80 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज कर ली। भारतीय बल्लेबाजों ने इस मैच में इस तरह बल्लेबाजी करी मानो T20 क्रिकेट खेल रहे हो और शिखर धवन ने बड़ी शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए सभी का दिल जीत लिया और भारतीय टीम में दूसरे मुकाबले में ऐसा ही शानदार खेल का प्रदर्शन करके श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ा दिए और सीरीज में 2-0 से जीत हासिल करके सीरीज को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों अब देखना ये रहेगा कि क्या भारतीय टीम तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर श्रीलंकाई टीम को व्हाइट वॉश करने में सफल रहेगी या नहीं। बता दें भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला 23 जुलाई को कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार इस मुकाबले का सीधा प्रसारण 3 बजे से सोनी चैनल पर किया जाएगा और अगर आपको इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में देखनी है तो आप थोप टीवी या फिर पिकाशो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद ही अहम और रोमांचक होने वाला है क्योंकि जहां भारतीय टीम श्रीलंका को उन्हीं के सरजमी पर हरा कर उन्हें व्हाइट वॉश करना चाहेगी, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका टीम इस मैच को जीत कर अपनी लाश बचाना चाहेगी। बता दें जिस तरह से युवा खिलाड़ियों ने पहले दो वनडे मुकाबले में प्रदर्शन किया तो इसी को मद्देनजर रखते हुए टीम की प्लेइंग 11 में तो बिल्कुल भी बदलाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि शुरुआत में पृथ्वी शो और शिखर धवन ने फिर एक बार वैसे ही शुरुआत करी जैसे वो IPL में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए करते थे और किसी भी बड़े स्कोर की नींव रखने के लिए ये जरूरी होता है कि सलामी बल्लेबाज टीम को एक बेहतर शुरुआत दिलाए। पृथ्वी शो और शिखर धवन ने टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतर कर ये साबित कर दिया कि वो उच्च श्रेणी के बल्लेबाजों में से एक हैं। वहीं इसी के साथ ही भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने बल्लेबाजी करके जिस तरह से प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ था। लेकिन अब देखना ये होगा क्या तीसरे वनडे मुकाबले में दूसरे मुकाबले की भारतीय टीम मध्य क्रम बिखर गया था, क्या वो तीसरे मुकाबले में मजबूत नजर आएगा। दोस्तों अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव जैसा खतरनाक बल्लेबाज टीम में अपनी धाक जमा चुका है और अब इन युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी में तो टीम में बदलाव होना ही नामुमकिन सा नजर आ रहा है। वैसे शिखर धवन की कप्तानी में जिस तरह से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया आप सभी को क्या लगता है, क्या तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम 3-0 से श्रीलंका को पछाड़ सकेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा और इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।